राजनेता जिसे बिहार का गांधी कहा जाता है, जिसने बिहार में सबसे पहले शराबबंदी कानून को लागू किया था, वह राजनेता जो जेल से निकलने के बाद अगले ही दिन बना मंत्री, दलित राजनेता जो बिहार सरकार की पहली कैबिनेट में बना था मंत्री। बिहारी बेजोड़ के आज के सेगमेंट में बात एक ऐसे बिहारी बेटे के बारे में जिसे लोग बड़े ही प्यार से बीरल विभूति के नाम से पुकारते थे। इन्होंने देश की आज़ादी में पहली पंक्ति में खड़ा होकर अंग्रेजों से मुंहतोड़ मुकाबला किया था। वे हमेशा से गांधी को मानने वालों में से रहे। इन्हें शोषितों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में जाति प्रथा का विरोध किया। इसे हिंदू धर्म में एक अभिशाप के रूप में मानते थे। वे हिंदू मुस्लिमों में एकता और धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे। जब वे बिहार सरकार के मंत्री बने तो बिहार के कई राज्यों में इन्होंने शराबबंदी की घोषणा कर दी थी। आपको भी लग रहा होगा कि नीतीश कुमार के अलावा वह कौन सा नेता है जो बिहार में शराबबंदी कानून को लागू किया होगा, तो उस राजनेता का नाम है जगलाल चौधरी। जगलाल चौधरी का जन्म 5 फरवरी 1895 को सारण जिले के गड़खा प्रखंड के मीटेपुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सुमन चौधरी और माता का नाम तेतरी देवी था। जगलाल बचपन से ही सादा जीवन, उच्च विचार की विचारधारा वाले लोगों में से थे। जगलाल चौधरी के पिता भले ही अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को उच्च शिक्षा दिलाई थी। जब जगलाल चौधरी 15 साल के थे तब उनके विवाह जागेश्वरी देवी से हुआ था। जगलाल बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे थे और वे मेहनती भी थे। उन्हें 9वीं कक्षा में प्रतिमाह 5 रुपये सरकारी वजीफा भी मिलता था। बता दें कि जगलाल चौधरी की पढ़ाई में उनके बड़े भाई मीसम चौधरी का बड़ा योगदान रहा। वे सेना में नौकरी करते थे और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा पैसा भेजा करते थे। जगलाल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गाँव के ही सरकारी स्कूल में हुआ था। उनका नामांकन साल 1903 में छपरा जिला के स्कूल में करवाया गया। वे 17 साल की उम्र में मैट्रिक की परीक्षा फर्स्ट डिवीजन से पास किए थे। उसके बाद साल 1914 में आगे की पढ़ाई के लिए उनका दाखिला पटना विश्वविद्यालय किया गया, जहां सुबह आईएससी की परीक्षा पास किए। यहां से पढ़ाई पूरा करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वे कलकत्ता चले गए, जहां उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की। बताया जाता है कि जगलाल चौधरी जब एमबीबीएस के अंतिम साल में थे तो उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और साल 1921 के असहयोग आंदोलन में वे पूरी तरह से सक्रिय हो गए। इसी दौरान जगलाल चौधरी की राजेंद्र प्रसाद से दोस्ती हुई। इन दोनों की दोस्ती की मिसालें आज भी दोनों के पत्रों में देखने को मिलता है और दोनों के ही परिवार के लोगों ने इन दोनों के पत्रों को आज तक सहेज कर रखा है। जब उन्होंने गांधी से प्रभावित होकर डॉक्टर की पढ़ाई छोड़ी तो वे गांधी से मिलने वर्धा आश्रम पहुंचे थे। बाद में वहीं गांधी के साथ रहने लगे और गांधी के विचारों के बारे में लोगों को बताने लगे थे। इसी दौरान उन्हें बिहार राज्य कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी बनाया गया और उसके बाद साल 1922 में बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान उन्हें दिया गया। इसी दौरान वे कुछ दिनों के लिए पूर्णिया के टीकापट्टी आश्रम में रहकर लोगों की समस्याओं को सुना करते थे और गांधी के विचारों से लोगों को अवगत करवाते थे। इस दौरान जगलाल चौधरी देश की आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इसी दौरान साल 1930 में हुए नमक सत्याग्रह में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दिखाई और अंग्रेजों के विरोध में उन्होंने नमक का उत्पादन किया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। कुछ दिनों तक जेल में रहने के बाद वे जेल से बाहर जब आए तो इसी तरह से कांग्रेस के साथ जुड़कर काम करते रहे। फिर आया साल 1934, जब गांधी के मार्गदर्शन में अछूतो द्वार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जगलाल चौधरी पटना और दानापुर पहुंचे थे, जहां वे राजेंद्र प्रसाद के साथ मिलकर छपरा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, कटिहार, अररिया, फारबिसगंज, मुंगेर और भागलपुर की यात्रा की थी। इन दिनों बिहार भूकंप से प्रभावित सबसे ज़्यादा जिलों में से एक था। ऐसे में जगलाल चौधरी के साथ जगजीवन राम जैसे बड़े कांग्रेसी नेताओं ने मिलकर लोगों के बीच में मदद पहुंचाया था। इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद ने गरीबों की मदद के लिए अंग्रेजों से ज़्यादा पैसा जुटाया था और उनकी मदद की थी। फिर आया साल 1937, जिसमें अंग्रेजों ने प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही, जिसमें देश के चुनाव की बात कही गई थी। देश में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने 8 जुलाई 1937 को वर्धा में एक बैठक बुलाई, जिसमें यह पारित हुआ कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्रों के साथ चुनाव मैदान में आएगी। इधर बिहार में भी बिहार कांग्रेस कमेटी की बैठक सारण जिले के मसरख प्रखंड के एक गाँव में हुई, जिसमें उस समय के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल होने के लिए वहां पहुंचे, जिसमें यह सहमति बनी कि कांग्रेस यह चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई और बंबई, मद्रास, बिहार, उड़ीसा 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। बिहार
में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, जिसमें अनुग्रह नारायण सिंह सैयद महमूद के साथ जगलाल चौधरी को भी कैबिनेट में जगह मिली। उस समय जगलाल चौधरी पहले दलित नेता के रूप में कैबिनेट में शामिल हुए थे। उन्हें आबकारी और लोक स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई थी। इसी दौरान आबकारी मंत्री बनने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1938 को प्रदेश के कई जिलों में शराबबंदी की घोषणा कर दी, जिसमें सारण, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, धनबाद, रांची में मद्यपान निषेध लागू कर दिया गया था। आपको बता दें कि उस समय बिहार और झारखंड का हिस्सा एक हुआ करता था। इस दौरान विश्व पटल पर दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया। ऐसे में अंग्रेजों ने यह निर्णय लिया कि भारत भी इस युद्ध में शामिल होगा। हालांकि कांग्रेस ने इसका पुरजोर विरोध किया। हालांकि इस दौरान कांग्रेस लगातार यह मांग करती रही कि अंग्रेज पहले भारत को आज़ाद कर दे। हालांकि कांग्रेस की मांग पूरी नहीं हो पाई और अंग्रेजों का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सभी प्रांतों से पदत्याग करने का फैसला कर लिया। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने यह घोषणा कर दिया कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने अंग्रेजों पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल से परामर्श किए बिना ही यह निर्णय ले लिया है, जिसके बाद साल 1940 में गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत विरोध शुरू किया। इसी दौरान बिहार में भी जगलाल चौधरी ने गांधी के समर्थन में त्यागपत्र दिया और व्यक्तिगत सत्याग्रह करने की घोषणा कर दी। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जगलाल चौधरी के बारे में सरकारी पत्रों में इस बात का जिक्र है कि उन्होंने स्वयं लोगों को सारण जिले के एक थाना को जलाने के लिए लोगों को उकसाया था। इतना ही नहीं, उन्हें भीड़ से कहा था कि दरोगा को बांधकर नदी में फेंक दो। हालांकि इस घटना को लेकर दूसरे स्रोत बताते हैं कि जगलाल चौधरी गांव-गांव में जाकर लोगों को आंदोलन के लिए संगठित करते थे। इस दौरान एक भीड़ ने सिवान और आसपास के जिलों के डाकघर को टारगेट किया और उसे जला दिया। हालांकि इस दौरान जगलाल चौधरी ने वहां काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर निकालने में मदद की थी। इन्हीं घटना के बीच में एक दिन खबर आई कि पुलिस की गोली से 2 जवान शहीद हो गए, जिसमें एक जगलाल चौधरी का बेटा इंद्रदेव चौधरी भी थे। हालांकि कुछ दिनों के बाद जगलाल चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस जब उन्हें पकड़ कर ले जा रही थी तो उसने बताया कि आपके बेटे की मौत हो गई, वह हमारे कब्जे में है। तब उन्होंने पुलिस को कहा कि वे बेटे को देखना चाहते हैं। उसके बाद उनके बेटे के पार्थिव शरीर को घर वालों को देने की बात कही गई। इस पूरी घटना के बारे में जगलाल चौधरी ने बताया था कि मेरे पुत्र की हत्या पड़ोसी के घर पर सीढ़ियों पर गोली लगने से हुई थी। उन्होंने लिखा कि जब मैं जेल से लौटकर घर आया तो वहां देखने गया था बेटियों को गोली कैसे लगी थी। देश में जब आज़ादी को लेकर जहोज्जत चल रही थी तब एक बार फिर से ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड बेवेल ने केंद्रीय विधायिका गठित करने की बात कही और चुनाव की घोषणा कर दी। इस दौरान कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया। बिहार ने भी चुनाव की बात कही दी, यानी कि बिहार कांग्रेस ने भी चुनाव में एक बार फिर से उतरने की बात कह दी और श्री कृष्ण सिंह के अंतरिम सरकार बनने का न्योता भी मिल गया। यानी कि बिहार में भी कांग्रेस की सरकार दूसरी बार बनने में कामयाब हुई। इस सरकार में एक बार फिर से जगलाल चौधरी के साथ साथ 4 अन्य नेताओं को शपथ दिलवाया गया। इस बार जगलाल चौधरी को स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। उस समय जगलाल चौधरी बांकीपुर जेल में थे, तब श्री कृष्ण सिंह ने खुद जेल से उन्हें निकालकर अगले ही दिन स्वास्थ्य मंत्री बना दिया था। साल 1951 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कम्युनिस्टों को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। इस पर जगलाल चौधरी ने कैबिनेट में प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक बंदियों को छोड़ने के भेदभाव को गलत बताया और मंत्री पद से छोड़ दिया। हालांकि उन्हें दूसरे पद पर रहने के लिए कहा गया, पर वो उनका सिद्धांत आड़े आ रहा था। इसी दौरान राजेंद्र प्रसाद ने भी उन्हें संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनने को कहा। तब उन्होंने कहा था कि अगर आप वेतन के रूप में 1 रुपया देंगे तब हम इसके सदस्य रहने को तैयार हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद सारण सुरक्षित सीट से 1957, 1962, 1967, 1969 में हुए चुनाव जीतते रहे। यह राजनेता 9 मई 1975 को इस दुनिया से विदा हो गया। इनके निधन के बाद साल 2000 में डाक टिकट इनके नाम से जारी किया गया। हालांकि साल 1970 में ही छपरा में जगलाल चौधरी कॉलेज की स्थापना की गई थी। साल 2018 में जगलाल चौधरी की आदमगत प्रतिमा का अनावरण पटना के कंकड़बाग में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। यह बिहार का चहेता, बिहार का सिपाही, स्वतंत्रता संग्राम का सेनानी भले ही दुनिया में ना हो, लेकिन आज भी जगलाल चौधरी को याद कर लोग रोमांचित हो जाते हैं।